नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दावेदारों की बगावत से परेशान है। टिकट ना मिलने से दावेदारों का असंतोष चरम पर है और इसकी कीमत पार्टी को कुछ सीटों पर हार से चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। नाराज बताए जा रहे कार्यकर्ताओं को साधने के लिए पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही सांसदों व पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोर्चे पर लगा दिया गया है। पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों ने नाराज चल रहे नेताओं व कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर उन्हें मनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से फोन पर संपर्क साधा गया तो कुछ को देहरादून में प्रदेश कार्यालय में बुलाकर बात की गई। कुछ सीटों पर असंतोष कम हुआ है तो कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा और रुद्रपुर समेत कुछ अन्य सीटों पर बागियों के तेवर कम नहीं हो रहे हैं और गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी के बागियों पर पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने कहा कि नाराज होकर बीजेपी के जिन नेताओं ने निर्दलीय नामांकन किया है, पार्टी उन्हें समझा रही है। साथ ही उन्होंने भी ऐसे उम्मीदवारों से अपील की है कि वे पार्टी के खिलाफ ना जाएं और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में उनको चुनाव के लिए टिकट भी नहीं दिए जाएंगे। खबर ये भी मिल रही है कि नामांकन वापसी के बाद भी अगर बागियों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध जारी रखा और नामांकन करा चुके बागियों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो पार्टी सख्त कदम उठा सकती है और बागियों को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। उत्तराखंड से जुड़ी पल पल की खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।